नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बताते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी एक राखी बनाने के बारे में। तो जो मैंने एक ब्लू कलर का ऊन लिया है और यहाँ पर क्या करना है, उंगलियों पे इसको घुमाना है राउंड राउंड, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से घुमाना है, 20 राउंड इसमें घुमाना है, मैंने 20 राउंड घुमाया है। उसके बाद सुई धागे से इसको किस तरह से सिलाई करनी है, किस तरह से इसको टाइट करनी है, अब ध्यान से देखिए, तो आराम से घर बैठे ऐसे सुंदर राखी बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं लगभग 3.5 फीट का दूरी रखा हूँ, लंबा रखा हूँ इसका ऊन का, ठीक है। रखे मैंने काट लिया है, एक्स्ट्रा 3-4 फीट भी रख सकते, बाद में तो कट जाएगी। और इस टाइप का सुई लिया है मैंने और इसको पिरो के फिर इसमें बताते हैं किस तरह से आपको इसमें सिलाई करनी है। तो ये जो धागा है ये इस साइड में ऐसे रहेगा। तो ये वीडियो मैंने यहाँ पे काटा नहीं, देखो धागा हटाने में कितना डिस्टर्बेंस होती है, हट जा भाई। अब ठीक है, अब इस तरह से सुई को लेना है और धागे से ऊपर से इसको टाइट करना। जब ये हो जाएगा आप देख सकते हैं किस तरह से ये होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। मैं तो कहूँगा दुनिया में सब बहुत सी डिफिकल्ट है और बहुत सी आसान भी है। जो हिम्मत रखते हैं उसके लिए आसान है, जो नहीं रखते उसके लिए तो भैया सब कुछ डिफिकल्ट है। चलिए ये सब बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से फंसेगा ये, इस तरह से ये फंसेगा, ठीक है। अब ऐसे ही लगातार इसको कंटिन्यूस करके ले जाना है। मैं 2-3 बार और करके दिखाता हूँ। ये मैंने फोकस थोड़ा सा डिस्टेंस में है अब, ठीक है। मोबाइल में DSLR जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ मोबाइल से ही, जो अच्छा ही अच्छा लगता है। आप बता सकते हैं हमें कि ये रिकॉर्डिंग आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, वीडियो ठीक से साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास DSLR नहीं है, मोबाइल से ही करते हैं। तो ये इस तरह से ये फंसेगा। मुझे तो भैया बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहले बना चुका हूँ एक पिंक कलर का ऊन से, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा आपको कि वो किस तरह वो कैसा बना है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है उसे देखते हुए। मैंने दूसरा वाला बनाया है और ये मेरा अपना क्रिएशन नहीं है, ये मैं कहीं ना कहीं से मैं सीखता हूँ, देखता हूँ, खुद ट्रेनिंग करता हूँ इसको, उसके बाद मैं जाके इसे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो एक दो बार और करके फिर आपको बताते हैं। इसको फिर हाथ से निकालेंगे और निकाल के फिर करेंगे इसको, ठीक है। अब 2-3 बार मैंने करने के बाद जब फर्स्ट टाइट हो गया है थोड़ा सा, अब इसको निकालते हैं हाथ से, ठीक है। निकाल के आपको दिखाते हैं कि उसी तरह से करते 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 आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। जो ज़्यादा ही टाइट है वह लग रहा है जी भैया, खुल गया, खुल गया। अब इसको उसी तरह से आपको करना है, ऐसे ले जाना है और साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको साफ दिखाई नहीं देगा तो वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। ये और इसी प्रकार से ले जाते हुए पूरे में करना है टोटल, ठीक है। तो बीच में वीडियो मैंने काट दिया हूँ क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना सारा रिकॉर्ड सारा दिखाने की, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैंने कर लिया हूँ। तब मैंने फिर से चलाया, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से दिखेगा डिज़ाइन, और डिज़ाइन बोल सकते हैं या जो भी बोलेंगे। तो ये इस तरह से दिखेगा, इसको पलट के भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये शो होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक दो बार और कर लेते हैं, दिखाते हैं, और बिल्कुल ऐसे बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं, पकड़ पकड़ के करना है, ठीक है। एक सुई चाहिए, एक ऊन चाहिए, बस इस तरह का सिलाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हुआ है, ये देखिए इस तरह से एक डिज़ाइन जैसा बन चुका है, ठीक है। अब इसको पूरा एकदम फिनिशिंग करना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। कोशिश किया हूँ कि अच्छे से अच्छा लगे, बाकी आप कमेंट में अपना राय ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं ये किस तरह से ये जो है इस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा हिस्सा खाली है, इसको भरते हैं उसी तरह से सिलाई करके, और इसको यस इस तरह से करना है, ठीक है। थोड़ा सा और करते हैं, ये देखिए सुई भी फिसल रहा है हाथ से,
ये ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। अब लग रहा है लगभग हो चुका है, शायद एक बार और करते हैं, हो जाएगा। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा वीडियो बढ़ाया हूँ, 12-13 मिनट का बन जाएगा ये वीडियो। और ये है, ठीक है, इस तरह से बनेगा, बिल्कुल देख सकते हैं। लास्ट फिनिशिंग और देते हैं, माफ़ कीजिएगा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि जब पूरा नहीं होगा तो पता भी नहीं चलेगा किस तरह से क्या होगा। एक दो बार और करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा खाली रह जा रहा है, इसके लाइन में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा और करके ये देख सकते हैं। वो हो चुका है, एक बार और शायद करेंगे। अब ये पूरा हो चुका है, ठीक है। ये लाइन दो बार भी कर सकते हैं, ठीक है, दो तीन बार भी कर सकते हैं, मैंने एक ही बार किया है। अगर आपको ज़्यादा मोटा चाहिए तो दो तीन बार भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा टाइट करने के लिए लास्ट में करते हैं। अब इसमें गोल गोल प्लास्टिक की मोती चिपकाएंगे, ठीक है, मोती ये क्या बोलते हैं उसे, जो भी है उसे चिपकाएंगे, अभी आपको बताते हैं। तो उसमें थोड़ी सी वीडियो जो थोड़ी सी मैंने दिखा नहीं पाया, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गई थी, मोबाइल में फ़ोन आ गया था, तो उसी को जस्ट लास्ट में मैंने फिर से दिखाया है जब हम मोती लगाएंगे। तो शुरुआत में, मोती की शुरुआत में मैंने नहीं दिखाया है, इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। एक दो जब लिया, तीन चार जब हो गया, तब इसमें पता चला कि इसमें तो रिकॉर्ड हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको मोती लेके करते हैं। तो वो हिस्सा तो चला गया है, क्योंकि अब यहाँ पर जब लगाएंगे तो वो अपने आप ही भग जाएगा। ये जो तीन चार लगाने के बाद ही मेरे पास ये, मैं दिखा चुका हूँ, यहाँ पर इतना सारा हो गया था, ये रिकॉर्ड हुआ नहीं था। लास्ट में देखा कि मोबाइल में तो रिकॉर्ड हुआ नहीं, फिर कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं आपको कैसे करना है। इस तरह से हमने पिरोया, और सुई को बिल्कुल मोती के पास से लेना है, यहाँ से लेना है। अब इसमें एक मोती चिपकाते हैं, ये वाला चिपकाते हैं, और किस तरह इसको लगाना है एक देखने के बाद पता पड़ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो बिल्कुल इसके नज़दीक से फिर से सुई को नीचे की तरफ देना है, नीचे की तरफ नज़दीक से थोड़ा घुसाना है नीचे की तरफ, तब ये उस तरह के टाइट बनेगा। देखिए जब इसको खींचते हैं तो ये इस तरह से टाइट हो जाता है। ये तरीका आपको करना है। एक फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। अब जब एक हो गया तो पीछे से फिर से सुई को वहाँ से लेना है वापस। अब इसमें एक मोती पिरोना है, मोती हीरे मोती जो भी आप कहे, इसको इस तरह से लेना है, ठीक है, और सेट करके फिर सुई को जस्ट इसके नीचे से नीचे की तरफ सुई को कर देना है, तब ये टाइट फिक्स हो जाएगा। देखिए शुरुआती तौर पर इसका रिकॉर्डिंग हुआ नहीं था, कोई बात नहीं, अब तो समझ गए होंगे किस तरह से इसको लेना है, किस तरह से इसको करना है, ठीक है। चलिए आखिरी मोती तक करते हैं, अब दो शायद लगेगा, एक और लगा लेते हैं, और अब लास्ट वाला लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं सेम तरीका अपनाऊंगा, नीचे से बिल्कुल उसके पास से सुई को खींचना है, और सुई के अंदर इसको पिरोते हैं। अब ये लास्ट वाला सेम तरीके से लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको इसको बनाने में, आधा घंटा लग सकता है, मेरा भी लग गया आधा घंटा, वो तो वीडियो कटिंग करके 12-13 मिनट में किया हूँ। अब ये इतना तक अच्छा ही लग रहा है, बन चुका है। अब इसको नीचे इसके धागे को टाइट कर देते हैं, और इसको ये टाइट कर देते हैं, जबकि फिर इधर उधर ना जाए। इसमें कोई फेविकॉल गोंद कुछ चिपकाया नहीं है, इसमें खाली सिलाई के ही काम है। रिबन भी लगाएंगे इसको बांधने वाली, उसमें भी सिलाई करेंगे, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, ठीक। अब ये बन चुका है अपना पहला स्टेप, ठीक है। अब इसके बीच में कुछ भी आप लगा सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है। मैं यहाँ पर एक गोल सा चमकीला पत्थर, ये तो प्लास्टिक का ही है, पत्थर तो नहीं है, ये लगाया हूँ, ये मार्केट से मिल गया है। आप यहाँ पर और भी कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी चीज़ सुंदर दिखे लगा सकते हैं, यानी कि यही वाला ही लगाइए,
ठीक, मैं तो एक तरीका जस्ट सीखा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपके पास हो। चलिए इसका रिबन हम लगाते हैं, ठीक है। तो रिबन मेरे पास काफ़ी कलर का रिबन मैंने लाया हूँ उनके हिसाब से, तो यहाँ पर ब्लू कलर का रिबन ले लेता हूँ और यहाँ पर रिबन का भी उस तरह से सिलाई करेंगे पीछे की साइड में। अब इसको बीच में करने के लिए रिबन को दोनों तरफ मिलाइए और इसका बीच का हिस्सा निकल जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर अगर दिखना है आपको, तो बीच का हिस्से को बिल्कुल बीच में रखिए और सिलाई कर देते दोनों साइड में, ठीक है। चलिए अब इसको भी सिलाई कर देते हैं, फेस करते हैं। एक तो मैंने कर लिया हूँ और दूसरा किस तरह से मैंने किया हूँ दिखा देता हूँ। इस तरह से इसमें फंसा के बस इसमें सिलाई करके उसमें फंसाना है और कुछ ज़्यादा काम इसमें अब नहीं है। ये इस तरह से इसको फंसा देना है, ये ठीक। फिर इसको बनाने में मेरे को कोई डिस्टर्बेंस ऐसे कुछ नहीं हुआ, आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं हुई, आशा करता हूँ आपको भी नहीं होगी। राखी बहुत नज़दीक आ गया है और प्रैक्टिस करेंगे तो घर बैठे कुछ ना कुछ बना लेंगे, ठीक है। इसे काट देते हैं। अब ये जो है पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है, आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। किसी को भी अगर राखी बांधेंगे तो उसे अच्छा ही लगेगा, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला जो पहले बनाया था ये भी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। चलिए थोड़ा नज़दीक आके दिखाते हैं, ये देखिए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कैसा आपको लगा, अच्छा लगा बुरा लगा दोनों ही कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आएंगे नया, तब तक ले वंदे मातरम, जय हिंद।